अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो आप सबको याद होगा Realme ने लास्ट ईयर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एक डिवाइस लॉन्च की थी जो कि 80,000 के अराउंड थी, Realme X3 सुपर जूम। ये डिवाइस जो है वो कैमरा सेंट्रिक थी, यहाँ पर हमें परफॉर्मेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस नज़र आया था। लेकिन इस डिवाइस के बाद कोई भी ऐसी डिवाइस पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च नहीं की गई Realme की तरफ से जो कि 60,000 से ऊपर की प्राइस ब्रैकेट में आती हो। लेकिन अब एक डिवाइस जो है वो फाइनली पाकिस्तानी मार्केट का रुख करने वाली है जो कि बहुत ही जबरदस्त किस्म की स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करती हुई नजर आएगी। मैं बात कर रहा हूं Realme GT 5G का। ये स्मार्टफोन मार्च के अंदर जो है वो चाइनीज मार्केट के अंदर लॉन्च किया गया था, लेकिन उसके बाद से अभी तक जो है वो चाइना से बाहर कदम नहीं रख पाया। लेकिन अब फाइनली यूरोपियन मार्केट के अंदर यानी कि जो है वो ग्लोबल मार्केट के अंदर हमें ये स्मार्टफोन लॉन्च होता हुआ नजर आएगा, जो कि काफी खुशाइन चीज निकल कर आती है। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी उम्मीद की जा रही है कि यह स्मार्टफोन जो है वो लॉन्च किया जाए Realme की तरफ से। अब इस वीडियो के अंदर डिटेल से बात करेंगे कि यार Realme GT के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा, किस प्राइस ब्रैकेट के अंदर ये डिवाइस जो है वो लॉन्च की जाएगी और कब तक हमें लॉन्च होती हुई नजर आएगी, इस वीडियो के अंदर डिटेल से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर तू चैनल के ऊपर नए हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जी तो दोस्तों बात की जाए Realme GT 5G की, तो यार ये डिवाइस जैसा कि नाम से जाहिर है 5G के अंदर लॉन्च की जाएगी और यहाँ पर हमें जो है वो टॉप एंड का चिपसेट यूज़ होता हुआ नज़र आएगा। तो सबसे पहले इस डिवाइस की कुछ लुक्स के ऊपर, डिज़ाइन के ऊपर, इसकी फील के ऊपर जो है वो नज़र डालते हैं। यहाँ पर हमें जो है वो कमाल का ये स्मार्टफोन जो है वो डिज़ाइन प्रोवाइड करता हुआ नज़र आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। जैसा कि हमें जो है वो यूजली पोको और Realme की हाई एंड डिवाइसेस के अंदर हमें जो है वो लेदर फिनिश देखने को मिलती है, Realme GT के अंदर भी कुछ इसी तरह की हमें जो है वो फिनिश देखने को मिलेगी। येलो कलर के अंदर ये डिवाइस जो है एक इसका जो कलर वेरिएंट आने वाला वो येलो कलर के अंदर आएगा और बैक के ऊपर हमें जो है वो एक्सटेंडेड इसकी जो है वो कैमरा के नीचे जो है वो एक रेसिंग लाइन देखने को मिल जाएगी जो कि कमाल की लुक जो है वो प्रोवाइड करती हुई नजर आएगी। इसके बाद हमें जो है वो दो और इसके जो है वो कलर वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, एक ब्लैक के अंदर होगा, एक ब्लू के अंदर होगा, जो कि सनब्रस्ट की तरह की हमें जो है वो लुक प्रोवाइड करते हुए नजर आएंगे। तो यार लुक्स जो है वो काफी जबरदस्त निकल कर आने वाली है, डिजाइन जो है हमें काफी ज्यादा प्रीमियम देखने को मिलने वाला है। ब्लू और ब्लैक वेरियंट्स के अंदर हमें बैक के ऊपर ग्लास देखने को मिल जाएगा, तो यार यहाँ पर हमें काफी जबरदस्त किस्म की जो है वो लुक प्रोवाइड करता हुआ ये स्मार्टफोन नजर आने वाला है। डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो यहाँ पर हमें जो है वो 6.43 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, HDR 10 प्लस की यहाँ पर हमें जो है वो स्पोर्ट देखने को मिल जाएगी, तो काफी जबरदस्त किस्म का जो है वो ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाएगी। मेरे ख्याल से 600 निट्स से ज्यादा की हमें जो है वो ब्राइटनेस मिलने वाली है, तो एक बहुत ही सॉलिड किस्म का जो है वो डिस्प्ले इस डिवाइस के अंदर हमें मिलने वाला है। इसके बाद यार बैटरी की बात कर ली जाए तो 4500 mAh की बैटरी मिलेगी और 65 वॉट का यहाँ पर हमें जो है वो फास्ट चार्जर प्रोवाइड किया जाएगा Realme की तरफ से, यानी कि हमें जो है वो सुपर फास्ट जो है वो स्पीड मिलेगी चार्जिंग के अंदर। मेरे ख्याल से कुछ 35 मिनट्स के आसपास जो है वो आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी 4500 mAh की। मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी एक चीज़ जो है वो निकल कर आती है बैटरी के मामले, खासतौर पर गेमर्स के लिए मेरे ख्याल से ये बैटरी जो है वो काफ़ी ठीक ठाक रहने वाली है। इसके बाद यार बात करें कैमराज की तो बैक के ऊपर हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का हमें जो है वो मैक्रो कैमरा मिल जाएगा। फ्रंट की बात की जाए तो हमें 16 मेगापिक्सल का जो है वो सेल्फी शूटर मिलने वाला है, तो कैमरा के हवाले से ये डिवाइस जो है वो थोड़ी सी स्ट्रगल करती हुई हमें ज़रूर नज़र आएगी, क्योंकि इसका मेन फोकस जो है वो इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर है, इसके डिज़ाइन के ऊपर है, गेमिंग को थोड़ा सा जो है वो जहन में रख के ये डिवाइस जो है वो बनाई गई है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हमें जो है वो कैमराज के ऊपर थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ जो है वो करना पड़ सकता है। यहाँ पर अगर बात की जाए स्टोरेज की तो 8GB से लेके 8GB रैम हमें मिलेगी यहाँ पर, 128GB और 256GB की जो है वो दो स्टोरेज ऑप्शन यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगी। अब बात करें परफॉर्मेंस की तो परफॉर्मेंस के अंदर ये स्मार्टफोन जो है वो बिल्कुल किसी डिवाइस से कम नहीं होने वाला, यहाँ पर हमें जो है वो स्नैपड्रैगन 888 का चिपसेट मिलने वाला है, यानी कि टॉप एंड का स्नैपड्रैगन का चिपसेट इस डिवाइस के अंदर हमें मिलने वाला है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ निकल कर आती है। और यहाँ पर हमें जो है वो परफॉर्मेंस के मामले में ये स्मार्टफोन हमें किल करके देने वाला है। LPDDR5X की रैम देखने को मिल जाएगी, UFS 3.1 की हमें जो है वो स्टोरेज देखने को मिल रही है, यानी कि बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस आपको ये स्मार्टफोन जो है वो प्रोवाइड करता हुआ नज़र आएगा। सब गेम्स यहाँ पर जो है वो आप बहुत ही आसानी से और सुपर हाई
हाई सेटिंग के ऊपर जो है वो खेल पाएंगे। तो यार ओवरऑल बात कर ली जाए Realme GT 5G के हवाले से, तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही सॉलिड डिवाइस जो है वो निकल कर आने वाली है। खास तौर पे गेमिंग लवर्स के लिए ये स्मार्टफोन जो है वो बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस जो है वो प्रोवाइड करके देने वाला है। डिस्प्ले बहुत सॉलिड है, परफॉर्मेंस बहुत ही सॉलिड है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा जो है वो इसका निकल कर आ रहा है, बैटरी भी हमें काफ़ी ज़बरदस्त मिलने वाली है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल एक कम्प्लीट पैकेज हमें जो है वो मिलने वाला है Realme GT 5G के अंदर। अब कुछ बात कर ली जाए इसकी प्राइसिंग के हवाले से, तो यार ये स्मार्टफोन जो है यूरोपियन मार्केट के अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कुछ 75,000 पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक। तो यहाँ पर 75,000 इस डिवाइस के लिए मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी प्राइस निकल कर आती है। टॉप एंड का यहाँ पर हमें जो है वो चिपसेट मिल रहा है, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही एक अच्छी प्राइस है इस डिवाइस के लिए। और इसका जो हाई एंड का वेरियंट है यानी कि 256 GB का जो वेरियंट है वो कोई 85,000 या 80,000 के अराउंड जो है वो लॉन्च किया जाएगा। अगर ये डिवाइस 75,000 के अंदर 8GB 128GB की स्टोरेज के साथ लॉन्च हो जाती है तो मेरे ख्याल से एक परफेक्ट डिवाइस निकल कर आएगी। डेफिनेटली इस डिवाइस का हमें जो है वो वेट करना चाहिए। और अगर लॉन्च डेट के हवाले से बात कर ली जाए तो यार लॉन्च डेट इस डिवाइस की जो है वो जून के एंड में है। अब ये डिवाइस जो है वो जून के एंड में ग्लोबल मार्केट के अंदर लॉन्च की जाएगी और उम्मीद यही की जा रही है कि ये डिवाइस जो है वो ग्लोबल मार्केट के साथ साथ पाकिस्तानी मार्केट में भी लॉन्च की जाएगी। आप क्या कहते हो Realme GT 5G के बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। लॉन्च होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इस डिवाइस का वेट करेंगे या फिर इसके अलावा कोई ऐसी डिवाइस है जिसका आप वेट कर रहे हैं, मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। दिस इज सैफराना साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।